श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन की अनेक चमत्कार अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक ये भी है कि ब्राह्मणों को पहले श्री रामचंद्र जी के विवाह में 12 गांव दान में मिले थे। एक दुष्ट सूबेदार ने सब छीन लिया, जिससे सभी ब्राह्मण दुखी रहने लगे। तब श्री तुलसीदास जी का दर्शन हुआ, उन्होंने सारा दुख निवेदित किया। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस का नवपरायण करने के लिए कहा। एक ब्राह्मण ने निराहार रहकर पाठ किया। सातवें दिन श्री हनुमान जी परीक्षा लेने के लिए फल फूल लेकर आए और बोले, फलाहार कीजिए, तत्पश्चात पाठ कीजिएगा। ब्राह्मण ने अस्वीकार कर दिया। तब उसकी विशुद्ध भक्ति को देखकर श्री हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होने पर उन्होंने उनको पूंछ के दो बाल दिए और कहा, इसमें एक शांति का रोम है और दूसरा विध्वंसकारी रोम है, अर्थात एक रोम से आप सिद्ध करोगे तो प्रयोग करने से ही वहां पर विध्वंस हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। इसी रोम का प्रयोग मैंने लंका दहन में किया था और दूसरा शांति कर रोम है, इससे पुनः शांति की स्थापना होगी। तो ये बताया, पहले बादशाह से प्रार्थना करना, न मानने पर भस्मकारी रोम का प्रयोग करना। जब लंका होने लगे और गांव वापस करते तो शांति का रोम का प्रयोग कर देना। ऐसा ही किया गया, जिससे ब्राह्मणों का दुख दूर हो गया और श्री तुलसीदास जी का बहुत आभार माना। मिथिला का दर्शन करके पुनः काशी लौट आए। एक बार श्री तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए राम नाम संकीर्तन कर रहे थे, तभी रोती हुई एक महिला आई और बाबा के चरण पकड़ लिए। तब बाबा ने सहज ही राम जी का नाम लेके उसके सर पे हाथ रखा और कह दिया, सौभाग्यवती भव। लेकिन उस स्त्री ने बताया कि बाबा, मेरे तो पति का देहांत हो गया है और मैं सती होने जा रही हूँ। तब बाबा ने कहा कि मैंने राम जी के नाम से आपको आशीर्वाद दिया है, तो आप एक काम कीजिए, जाओ अपने पति को तथा जो भी शव यात्रा में सम्मिलित लोग हैं उन सबको लेकर आप यहीं पे आ जाइए। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। श्री तुलसीदास जी महाराज ने 9 दिन तक श्री रामचरितमानस का पाठ किया और पाठ होने के बाद में बाबा ने जब प्रसाद बांटा तो सभी को एक एक करके सभी को प्रसाद दिया। प्रसाद देने के उपरांत बाबा जैसे ही बैठे तभी आवाज आई कि बाबा, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया, और मृत शैया पे से उसका पति जागृत हो जाता है। और सभी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार करते हुए कहते हैं, राम नाम सत्य है।